आज मेरे पास 32 इंच की एलईडी टीवी आई है एक, इसे दिखा दें आपको। ये देखिए, इसका इंडिकेशन जल रहा है ये। अब इसको हम यहाँ से ऑन करते हैं, ये देखिए ऑन हो गया। और इसके बाद डिस्प्ले पे देखिए, यानी इस तरीके से आके डिस्प्ले बंद हो गया और ये पावर ऑन है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, चलिए देखते हैं। अब इसके बैक कवर को हम ओपन करते हैं। और यहाँ पे आपको दिखा, इस समय एलईडी ऑन है और ये हो गया निगेटिव और यहाँ पे हो गया पॉजिटिव। देखिए 12 वोल्ट ये पैनल की सप्लाई बन रही है और यहाँ पे 3.3 बन रहा है। और यहाँ पे दिखा दें आपको, ये देखिए 20 वोल्ट हमारी सप्लाई यहाँ कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ पे दिखा दें, ये 12 वोल्ट। और अब आपको यहाँ पे हम फिर से स्टैंड बाई ऑन करके और दिखाते हैं। यहाँ पे देखें बंद हो गया और फिर से हम इसे ऑन करते हैं। ये देखिए फिर ऑफ हो गया, यानी ये सारी सप्लाई ओके है। और यहाँ पे जो 20 वोल्ट मिल रहा है, अब देखिए इसको हम बंद करते हैं, फिर यहाँ पे 70 वोल्ट हो गया और यहाँ पे 12 वोल्ट। अब हम फिर जो है इसे ऑन करेंगे, ये देखिए जैसे बंद होता है उस कंडीशन में 20 वोल्ट हमारा हो जाता है। अब आपको यहाँ देखना है कि ये देखिए 20 वोल्ट सप्लाई यहाँ आ रही है, यानी बैक लाइट के लिए है और ये बैक लाइट हमारी बंद हो जा रही है। ये देखिए अब यहाँ पे हम फिर इसे बंद करेंगे और फिर इसे दोबारा ऑन कर देंगे। मल्टीमीटर को देखें, जैसे हमारा 34 वोल्ट के आसपास हुआ ये बंद हो गई। तो यहाँ पे इसकी जो सप्लाई है 20 वोल्ट, यहाँ पे उस पर जो संदेह है आपको हम दिखाते हैं। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक ये और एक ये, ये दोनों ऊपर से फूले हुए हैं। इसलिए प्रॉब्लम वहीं से है क्योंकि 20 वोल्ट की सप्लाई इसकी यहीं पे बन रही है। उस एंगल से दिखाते हैं आप, ये और ये, यानी दोनों ऊपर से फूले हुए हैं। और इसे हम चेंज करके फिर देखते हैं कंडीशन क्या है। अब यहाँ
पे देखें ये जो है यहाँ पे ये कैपेसिटर जो कि 220 mFT का है, वोल्ट ये यहाँ पे लगा हुआ है, और दूसरा जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर आपको दिखा दें, ये है 470 mFT 25 वोल्ट, यानी हैं ये दोनों खुले हुए, और ये जो है इस साइड में यहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे। अब इसे हम यहाँ पे दिखाते हैं कंटिन्यूटी मोड पे, यहाँ जहाँ ये 20 वोल्ट मिल रहा था देखिए यहाँ पे, यानी ये जो बैक लाइट की सप्लाई है 20 वोल्ट, यहाँ पे ये 220 35 वोल्ट का लगा हुआ है, और यहाँ पे ये है 12 वोल्ट की, ये अभी क्लियर हो गया कि ये 12 वोल्ट का कैपेसिटर ये है, और ये बैक लाइट के लिए जो 20 वोल्ट मिल रहा था इसका कैपेसिटर ये है। चलिए इसे चेंज करते हैं फिर दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पे कैपेसिटर को दिखाते हैं, ये है इसका 470। अब इसे हम डिस्चार्ज करके, और ये इसका नेगेटिव और पॉजिटिव प्रॉब यहाँ पे लगाएंगे, और मल्टीमीटर को आप देखिए 187 आया, लेकिन है ये कितना, ये है 470। ठीक इसी तरीके से ये हम इस कैपेसिटर को भी देखते हैं, इसे भी डिस्चार्ज करेंगे, और इसके बाद पॉजिटिव प्रॉब इधर और नेगेटिव प्रॉब इधर 145। अब आपको इसका जो दूसरा है कैपेसिटर उसे दिखाते हैं, ये देखिए ये है 470। अब इसे हम यहाँ पे डिस्चार्ज करते हैं, इसके बाद यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव प्रॉब लगाएंगे, मल्टीमीटर को देखें 431, इतना अंतर होता है। अब चलिए इसे चेंज करते हैं, अब यहाँ पे देखें ये जो है हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है ये दोनों कैपेसिटर, और ये दोनों चेंज किए हैं। अब चलिए ऑन करके हम देख लेते हैं, ये देखें अब यहाँ पे जो है स्टैंड बाई LED यहाँ पे जल रही है। अब इसे जो है इस बटन से ऑन करेंगे, और ये देखिए ग्रीन हो गया, और यहाँ पे आपको दिखा दें ये देखिए इस पे डिस्प्ले आ गया है, यानी ओके। अब इसके वोल्टेज को भी हम टेस्ट करके दिखा दें आपको कितना वोल्ट है,
यानी 19 वोल्ट पे ये बंद हो जा रहा था, बाद में जो है सप्लाई नॉर्मल थी। अब यहाँ पे देखें ये सप्लाई 16 वोल्ट, यानी यहाँ पे देखें 16 वोल्ट, 16-17 वोल्ट मान के चलिए, क्योंकि 16.80 वोल्ट है, और इसकी सप्लाई जो है यहाँ 12 वोल्ट, यानी दोनों के प्रॉब्लम से ये वोल्टेज यहाँ पे इस तरीके से था। और यहाँ पे देख ये है 38 वोल्ट, जो कि इसकी बैक लाइट सप्लाई जहाँ पे 20 वोल्ट बन के बंद हो जा रही थी, ये 38.92 वोल्ट यानी 39 वोल्ट यहाँ पे इसकी बैक लाइट सप्लाई है, जो कि 20 वोल्ट यहाँ पे रहता था। इस कंडीशन में आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि जब ये बंद होता है तो उस कंडीशन में आप देखेंगे सारे सप्लाई नॉर्मल मिलेंगे, और आपको ये प्रॉब्लम अगर कैपेसिटर खुला ना होता तो यहाँ पे देखने को ये प्रॉब्लम मिलता कि फॉल्ट है कहाँ से। तो उस कंडीशन में आपको इस पे प्रॉब रख के, यानी जो बैकलाइट को सप्लाई जा रही है इस पे प्रॉब रख के, और उसके बाद जो है स्टैंड बाई को रिलीज करना है। तो फॉल्ट अपने आप क्लियर हो जाता है क्योंकि वोल्टेज वहाँ पे ड्रॉपिंग नहीं होनी चाहिए किसी तरीके की। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।